नमस्कार, स्टेट टाइम्स की टॉप न्यूज में आप सबका स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी समेत 6 जिलों में एनआईए का छापा, उत्तर प्रदेश के निवासी को लिया पूछताछ के लिए हिरासत में। सोमवार देर शाम डांगरी गांव में फिर दिखे दो संदिग्ध, सुरक्षा बलों ने देर रात तक पूरा इलाका खंगाला, अभी भी तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर आएंगी सुरक्षा बलों की 95 कंपनियां, अमरनाथ यात्रा में होगी तैनात, पंचायत चुनाव में होगा इस्तेमाल। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग दोनों ओर से यातायात के लिए बहाल, वहीं एसएसटी रोड और मुगल रोड फिलहाल बंद। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की टीम अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास कर रही जांच, जहां कल एक संदिग्ध बम विस्फोट की सूचना मिली थी। मध्य प्रदेश में बड़ा हादसा, पुल से नीचे गिरी बस, 15 लोगों की मौत, कई लोग घायल, ट्रैक्टर में लाद कर लोगों को निकाल रहे स्थानीय लोग। अमरनाथ यात्रा 2023 में भक्तों को जम्मू कश्मीर में यात्रा के दौरान आधार कार्ड, पंजीकरण पर्ची साथ रखना अनिवार्य। जम्मू कश्मीर में कार्यालय से अनुपस्थित 14 अधिकारी निलंबित, डीसी कुपवाड़ा ने विभिन्न दफ्तरों को किया निरीक्षण। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें, और खबरों के लिए देखते रहें स्टेट टाइम्स।